खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस सप्ताह शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया ओपन के फाइनल तक का सफर तय किया। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज पर नजर बनी हुई है। वहीं दीव में पहली बार आयोजित हुए बीच गेम्स भी चर्चा का विषय रहे। अगले आधे घंटे में नजर डालेंगे इस हफ्ते की प्रमुख खेल खबरों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। मलेशिया ओपन के पुरुष युगल फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में सात्विक चिराग का सामना चीन के लियांग वेई केंग और वांग चेंग की शीर्ष वरीय जोड़ी से था। भारतीय जोड़ी ने मैच में शानदार शुरुआत करते हुए पहला गेम 21-9 से जीता। हालांकि चीन की जोड़ी ने दूसरे गेम में वापसी की और एक कड़े मुकाबले में दूसरा गेम 21-18 से जीता। तीसरे और निर्णायक गेम में चीन की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए 21-17 से बाजी मारी और मैच अपने नाम किया। अब बात क्रिकेट की। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन T20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला मैच जीत चुकी भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का इरादा भारत के खिलाफ पहली जीत हासिल कर सीरीज को बराबरी पर लाने का होगा। के खिलाफ इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को जब दूसरे T20 के लिए मैदान पर उतरेगी तो उसकी नज़र सीरीज अपने नाम करने पर होगी। पहले T20 में भारत ने अफगानिस्तान पर 6 विकेट की आसान जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। पहले T20 मुकाबले में युवा खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया था। विराट कोहली 2022 के विश्व कप के बाद पहली बार भारत के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबला खेलने उतरेंगे। कोहली की वापसी से टीम में किसी एक बल्लेबाज को बाहर बैठना पड़ सकता है। पहले T20 में रोहित शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, ऐसे में दूसरे मुकाबले में वो बड़ा स्कोर बनाकर फॉर्म में वापसी की कोशिश करेंगे। शुभमन गिल, तिलक वर्मा और जितेश शर्मा ने पहले T20 में अच्छी शुरुआत की थी लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। दूसरे T20 मुकाबले में ये खिलाड़ी भी बड़े स्कोर के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। भारतीय टीम को जून में होने वाले विश्व कप से पहले कोई अन्य T20 सीरीज नहीं खेलनी है, ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन काफी मायने रखता है। जितेश ने ईशान किशन को पीछे छोड़कर विकेट कीपर बल्लेबाज की दौड़ में खुद को आगे कर दिया है। रिंकू सिंह का मध्य क्रम में खेलना तय लग रहा है। गेंदबाजी में मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। वहीं स्पिनर विभाग का दरमदार अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई संभालते दिखाई देंगे। दूसरी तरफ बात अगर अफगानिस्तान की करें तो टीम का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है। पहले T20 में मिली हार को हटा दें तो भारत में हुए वनडे विश्व कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, ऐसे में वो पहले मैच में मिली हार को भूलकर सीरीज में बराबरी के इरादे से उतरेंगे। टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों मजबूत दिखाई दे रही है। बल्लेबाजी में हजरतुल्लाह जजई, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और निजबुल्लाह जादरान भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में मुजीब उल रहमान के साथ नूर अहमद को खेलना भी भारत के लिए आसान नहीं होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 5 T20 मुकाबले हुए हैं जिसमें से भारत ने सभी मुकाबले अपने नाम किए। अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ T20 में मिली पहली जीत की तलाश है। इंदौर के होलकर स्टेडियम के पिच की बात करें तो ये छोटे फॉर्मेट में हमेशा से बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रही है। यहाँ के पिच पर गेंद बहुत अच्छे से बल्ले पर आती है, ऐसे में यहाँ रनों का अंबार देखने को मिल सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। मेरठ के एक छोटे से गांव से आने वाली पारुल चौधरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली पारुल की सफलता की कहानी देखिए इस खास रिपोर्ट में। My God, she is now coming up with a brilliant dash, 695, Parul Chaudhary winning the women's 5000 meters race. भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार एथलीट पारुल चौधरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ यह सफर इतने सुखद मोड़ पर आएगा ये पारुल ने कभी नहीं सोचा था।
एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली पारुल चौधरी का सफर हर एथलीट को प्रेरणा देने वाला है। पारुल की माने तो उन्होंने अपने खेल करियर की शुरुआत अपने गांव के स्कूल से ही की थी। शुरुआती दिनों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, हालांकि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं एक किसान परिवार की बेटी हूँ और मैंने स्कूल से स्टार्ट किया है गेम। तो पहले थोड़ा दिन स्कूल में गेम किया, फिर स्टेडियम जो हमारे मेरठ में कैलाश प्रकाश है, फिर उसके बाद कुछ दिन मैं पटियाला रही थी जो NCOE है, अभी NCOE हो गई, पहले वो एक्सीलेंस ही थी। फिर 2016 से मैं कंटिन्यू नेशनल कैंप में हूँ और इस साल मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गई है। जो लास्ट ईयर था उसमें जो मेरा ओपन सीजन हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ था, और जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी एशियन गेम में गोल्ड सिल्वर मेडल आया है, और फिर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ही ओलंपिक क्वालिफाई भी किया है, तो अभी उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी पारुल अब देश के लिए ओलंपिक पदक जीतना चाहती हैं, जिसके लिए वे अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तैयारी अच्छी है, लास्ट ईयर से इस बार अच्छा सीजन जा रहा है, जैसे भी स्टार्ट किया शुरू में तो अच्छा चल रहा है अगर लास्ट ईयर कंपेयर करें तो, और अच्छा करेंगे ओलंपिक में जाके। और उस दिन हमारा क्या ना रेस के ऊपर डिपेंड होता है कि हाँ रेस कैसे जाती है, तो फिर उसी हिसाब से देखते हैं, लेकिन अपना यहाँ से अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, बेस्ट करने के लिए ही उधर जाएंगे ओलंपिक में। सुश्री पारुल चौधरी ने 2023 को हांगशू चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेल में स्वर्ण पदक। बेटी के अर्जुन पुरस्कार से नवाजे जाने पर पारुल के माता पिता ने अपनी खुशी जाहिर की, साथ ही उन्होंने अपनी लाडली के संघर्ष के दिनों को भी याद किया। बहुत ही खुशी है, और हमारे गांव में भी रिश्तेदारियों में भी बहुत खुशी है, बहुत मेहनत के साथ ये दिन देखने को आया है। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए ये, अभी जब बेटी ने हम नाम रोशन करा हमारा, और हम एक राष्ट्रपति के यहाँ हमारी बेटी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होगी, बड़ा सौभाग्य है हमारा। भाई इसकी बड़ी मेहनत है, बड़ी सफलता है इसकी, अगर गांव से निकल के एक अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होगी, ये हमारा भी सौभाग्य है और हमारी लड़की की मेहनत है। हम तो किसान आदमी, एक फार्मर है, छोटे से गाँव के हैं। पारुल चौधरी ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने पिछले साल आयोजित एशियन गेम्स के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि 3000 मीटर रेस में वे रजत पदक जीतने में सफल रहीं। अब इस साल उनकी नजर ओलंपिक पदक पर जमी हुई है। सुशील कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। दीव में पहली बार आयोजित हुए बीच गेम्स में राष्ट्रीय स्तर के मल्टी स्पोर्ट इवेंट में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1200 खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। ये आयोजन खेलों के साथ साथ देश के तटीय क्षेत्रों में पर्यटन के हिसाब से भी अहम रहा। खेल के क्षेत्र में बदलती तस्वीरों का असर अब भारत के खूबसूरत समुद्र तटों पर भी नजर आने लगा है। दरअसल अभी हाल ही में दीव में पहली बार बीच गेम्स का आयोजन किया गया। दीव के खूबसूरत बीचों पर आयोजित हुए बीच गेम्स के पहले संस्करण में राष्ट्रीय स्तर के मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1200 खिलाड़ियों ने अपने खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। बीच गेम्स में जहां बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, टग ऑफ वॉर, सी स्विमिंग, बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ी स्पर्धा करते नजर आए, तो वहीं भारतीय खेलों जैसे बीच कबड्डी और मलखम जैसे खेलों की भी धूम रही। इसमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सेदारी की। करीब 1200 खिलाड़ी आए, 200 के करीब मैच ऑफिशियल्स, 200 के करीब टीम ऑफिशियल्स आए, और इसमें 110 गोल्ड मेडल, 110 सिल्वर मेडल और 141 ब्रॉन्ज मेडल वितरित किए गए। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान हासिल किया, सर्वाधिक मेडल हासिल किए, उसके बाद असम का नंबर रहा, उसके बाद तमिलनाडु का नंबर रहा, और जो होस्ट है दमन दीव दादरा नगर हवेली, उसने भी एक छोटा यूटी होते हुए भी 5वां स्थान हासिल किया, जो हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। बीच गेम्स के पहले संस्करण में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक के साथ कुल 18 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं दूसरे पायदान पर असम रहा, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। इन खेलों में हिस्सा लेने पहुंचे खिलाड़ियों के बीच भी गजब का उत्साह नजर आया। बीच गेम्स पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था
और इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था और अच्छा था। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, सीखी और नया एक्सपीरियंस लिया। इस गेम में हमको काफ़ी सम्मान मिला, काफ़ी हमको अप्रिसिएशन मिला, उसके लिए हम बहुत आभारी है। भारत में पहली बार आयोजित हुए बीच गेम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि का परिणाम है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को खेलों से जोड़ने और भारतीय तटों को लोकप्रिय बनाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी बानगी दीव में आयोजित बीच गेम्स के प्रथम संस्करण में सामने आई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। हौसला हो तो आपको अपने सपने पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जम्मू कश्मीर के आमिर हुसैन ने। आमिर के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन वो क्रिकेट जैसे मुश्किल खेल में अपना जौहर दिखा रहे हैं। आमिर लोन 34 साल के हैं और 2013 से पैरा प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय खेलों में क्रिकेट का नाम भी आता है। भारत सहित दुनिया भर में इसके करोड़ों खेल प्रेमी हैं। मैदान पर आपने क्रिकेट खिलाड़ियों को लंबे लंबे छक्के लगाते और अपनी गेंदों से बड़े खिलाड़ी का विकेट चटकाते देखा होगा। हालांकि क्या आप बगैर हाथों के क्रिकेट खेलने के बारे में सोच सकते हैं? अगर नहीं तो हम आपको मिलाते हैं जम्मू कश्मीर के आमिर हुसैन से, जो बगैर हाथों के बड़े बड़े शॉट लगाते हुए दिखाई देते हैं। 8 साल की उम्र में एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा देने वाले आमिर पैरा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। बचपन में हुए हादसे के बाद भी आमिर हुसैन ने अपना सपना नहीं छोड़ा। हाथ खोने के बाद उन्होंने बैट को पकड़ने की अलग स्टाइल अपनाई। वो बैट को अपने कंधे और गले के बीच फंसा कर फिर शॉट लगाते हैं। बैट को इस ढंग से होल्ड करने के बावजूद वह अपने बढ़िया फुटवर्क की मदद से ड्राइव शॉट खेलते हैं। आमिर हुसैन गेंदबाजी भी करते हैं। वह अपने दाएं पैर में बॉल फंसाकर अपनी टांग को घुमाकर पिच पर बॉल फेंकते हैं। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में स्थित वाघामा गांव के रहने वाले आमिर लोन 34 साल के हैं और 2013 से पैरा प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तब उनके टीचर ने उन्हें इस अंदाज में क्रिकेट खेलते देखा तो वह उनसे बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने आमिर को पैरा क्रिकेट टीम से जोड़ दिया। तो मेरे शौक तो क्रिकेट खेलना था, लेकिन 8 साल की उम्र में हमारा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो है हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी से, और हमेशा मैंने ये सोचा था कि मैं आगे जाऊं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज हर कोई काम, जो भी काम होता है वो मैं खुद करता हूं। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, जो एक पैर से गेंदबाजी करना और फिर नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ना, वो एक अनोखा था, क्योंकि लोग जब देखते हैं कि पैर से गेंदबाजी करना और वो भी टर्फ पर, और सभी ने जो है इस पर बहुत हैरान हो गए इस बात पर कि कैसे ये गेंदबाजी करता है। लेकिन मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। आमिर हुसैन लोन क्रिकेट जगत में एक प्रेरणादायक शख्सियत बनकर उभरे। 2014 में वहाँ आई बाढ़ के कारण वे करीब 1 साल तक खेल से दूर रहे। 2015 में इंटर स्टेट पैरा टूर्नामेंट में उन्होंने फिर वापसी की और टीम को चैंपियन बनाया। जम्मू, दिल्ली और लखनऊ में खेलने के बाद अब हुसैन इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का सपना देख रहे हैं। पहला 2013 में हमने नेशनल खेला था, उसके बाद फिर हर एक इंडिया में, फिर 2018 में मैं बांग्लादेश नेशनल इंटरनेशनल मैच खेलने गए, फिर उसके बाद नेपाल और शारजा दुबई गए खेलने के लिए। इन जगहों पर मैंने क्रिकेट खेला है और सभी हमारे फेवरेट प्लेयर हैं, उसमें अभी तो है सचिन सर जो हमारा फेवरेट प्लेयर है, तो अभी विराट कोहली सर भी है, क्योंकि विराट कोहली सर इंशाल्लाह उनके साथ भी मुलाकात इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हो जाएगी इंशाल्लाह। आमिर के पड़ोसी भी उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आमिर ने पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। बहुत फख्र है आमिर पर, इसने इस इलाके का नाम रोशन कर दिया। आज आमिर लोन जम्मू कश्मीर की पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। आमिर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के फैन हैं और वह सचिन तेंदुलकर के नाम की जर्सी पहनकर मैच प्रैक्टिस करते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज।
जम्मू कश्मीर के युवा बड़ी संख्या में खेलों से जुड़ रहे हैं। वहीं देश में खेल के क्षेत्र में हो रहे विकास का असर भी हर स्तर पर देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा आप बड़गांव की मरियम वानी और शीकबा शब्बीर की सफलता से लगा सकते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो में बड़ी सफलता हासिल की है। देखिए ये रिपोर्ट। बड़गाम में बर्फ के बीच युवतियां मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही हैं। भारी बर्फबारी के बावजूद खेल अकादमी से जुड़ी युवतियों को बर्फ में नंगे पांव विभिन्न कला रूपों का अभ्यास दिया जा रहा है। इसी घड़ी में अब जम्मू और कश्मीर के बड़गाम जिले के पारनीवा गांव की दो लड़कियों ने राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो मार्शल आर्ट में चमक बिखेरी है। बड़गाम की मरियम वानी और शीकबा शब्बीर ने न केवल असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया बल्कि अपने गांव का नाम देश में भी रोशन किया। जहां एक ओर मरियम वानी ने राज्य स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया और राष्ट्रीय स्तर पर दो स्वर्ण और रजत पदक जीते, वहीं शीकबा शब्बीर ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उपलब्धियों को दर्ज कराया। आजकल की सराउंडिंग्स के हिसाब से मैंने इस पैशन को चुना, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें लड़कियां सेफ नहीं है, तो अपनी सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है अपने लिए। और ताइक्वांडो में जो पहली बात है वो हमें सिखाता है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। और हमारे स्कूल की तरफ से यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारे प्रिंसिपल जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना माइंडसेट, यहाँ के लोगों का माइंडसेट चेंज करें। तो और सुजात सर भी है, वो भी हमारे कोच रह चुके हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट। मार्शल आर्ट्स है ये हमें क्या करते हैं, हमें ड्रग एडिक्शन से दूर करते हैं। क्यों आजकल के माशरे में क्या होता है कि बहुत सारे जो लड़के हैं वो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, लड़कियां भी आजकल हो गई है ड्रग एडिक्ट। तो ये क्या करता है कि इनसे हम बचते हैं, अगर हम मार्शल आर्ट्स में जाएंगे तो इससे हम ड्रग एडिक्शन से बचेंगे और ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने छात्राओं को मिली सफलता के बाद उनके कोच का कहना है कि हम गाँव में छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे एक ओर बच्चियां अपनी आत्मरक्षा करने में सक्षम बन रही हैं, तो वहीं देश और अपने गांव का नाम भी रोशन कर रही हैं। मैं खाली लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी जो एक्सपोज करूं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि खाली लड़के जो है ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमारे पास दो एग्जाम्पल ऐसे है, हमारी दो बच्चियाँ हैं, एक है मरियम और शिकिबा, ये दोनों इस साल जो है क्लास 9th में जो है स्टडी कर रहे हैं। इन्होंने ताइक्वांडो में नेशनल्स ला ये दो दफ़ा पार्टिसिपेट किया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इन्होंने पार्टिसिपेट करके बहुत सारे मेडल जो है और सर्टिफिकेट्स जो है वो स्कूल के लिए इन्होंने लाए। इन्होंने अपने घर वालों का, माँ बाप का, स्कूल का नाम भी रोशन किया है। छात्राओं की सफलता ने न केवल बड़गाम जिले का नाम रोशन किया है बल्कि अब गांव के अन्य अभिभावक भी अपनी बच्चियों को मार्शल आर्ट सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात करते हैं टेनिस की। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन आज से शुरू हो गया है। महिला एकल वर्ग में 8वीं वरीयता प्राप्त मारिया सक्कारी ने आसान जीत के साथ दूसरे दौर में जगह बनाई। मारिया ने पहले दौर में जापान की नाओ हिबिनो को 6-4, 6-1 से हराया। वहीं पुरुष एकल वर्ग में इटली के चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी यानिक सिनर भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिनर ने पहले दौर में नीदरलैंड्स के जेंट्स कल्प को 6-4, 7-5, 6-3 से हराया। पुरुष एकल वर्ग में ही आंद्रे रूबलेव ने जीत के साथ शुरुआत करने में कामयाबी पाई। रूबलेव ने दक्षिण अफ्रीका के टी सिबोथ वाइल को 7-5, 6-4, 3-6, 4-6, 7-6 से पराजित किया। बात फुटबॉल की। स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में 15 जनवरी को बार्सिलोना का सामना रियल मैड्रिड से होगा। सेमीफाइनल में बार्सिलोना ने ओसासुना को 2-0 से हराने में सफलता पाई थी। टीम के मैनेजर जावी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश हैं। उनका मानना है कि रियल के खिलाफ फाइनल मुकाबला काफी मुश्किल होने वाला है। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के लिए मौजूदा सत्र उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। टीम लालीगा में तीसरे स्थान पर बनी हुई है, शीर्ष पर मौजूद रियल मैड्रिड से उसके 7 अंक कम हैं। ऐसे में टीम ने स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में पहुंचकर एक खिताब की उम्मीद जगा दी है। बार्सिलोना ने सेमीफाइनल में ओसासुना को 2-0 से हराने में सफलता पाई।
इस मुकाबले के दौरान टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। टीम के मैनेजर जावी हर्नांडेज खिलाड़ियों के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए। मैच के बाद पत्रकारों से बातचीत में जावी ने ओसासुना की भी तारीफ की है। मेरे ख्याल से टीम ने आज अच्छा खेल दिखाया। ओसासुना के पास भी गोल करने के कई अवसर थे। जहां तक मुझे याद है उनके पास दो अच्छे मौके थे। हमने भी शानदार खेल दिखाया। क्लीन शीट आपके डिफेंस की मजबूती दिखाता है। हमने एक मजबूत टीम के खिलाफ पूरे मैच के दौरान दबाव बनाए रखा। हमने गोल के अवसर बनाए और गोल करने में सफलता पाई। ये काफी अच्छा मैच था। फाइनल में बार्सिलोना का सामना चिर प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड के साथ रविवार को खेला जाएगा। पिछले साल भी रियल और बार्सिलोना के बीच रोमांचक मुकाबला खेल प्रेमियों को देखने को मिला था। हालांकि उस मैच में रियल मैड्रिड को जीत मिली थी, लेकिन बार्सिलोना ने रियल को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार भी जावी टीम से वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। हमें पिछले साल की ही तरह प्रदर्शन करना होगा। हमने उनको काफी अच्छा खेल दिखाया था। ला लीगा के क्लासिको में हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। बदकिस्मती से हमें हार का सामना करना पड़ा था। 65 से 75 मिनट का हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। हम इस मैच में अपनी पकड़ बनाने के इरादे से उतरेंगे और हमारी कोशिश रियाल से गेंद ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखने की होगी। हमें अपने खेलने का स्तर सुधारना होगा। ये एक अच्छा मुकाबला होने वाला है। फाइनल वो भी रियाल मैड्रिड के खिलाफ हो तो इससे टीम का मनोबल काफी बढ़ जाता है। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा। मैड्रिड, पर tenemos el ejemplo del año pasado y por ahí hay que competir. दूसरी तरफ ओसासुना की टीम इस मुकाबले में मिली हार से काफी निराश है। टीम के मैनेजर जगोबा रास्ते का मानना है कि टीम को गोल करने के कुछ अवसर मिले थे, लेकिन वो उसे भुनाने में कामयाब नहीं हो सकी। ऐसा लगता है कि हमारे पास गोल के कई मौके थे, खासकर जब स्कोर 0-0 का था। अगर आपको इस तरह के मुकाबले जीतने हैं तो आपको किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना होता है। ये काफी निराशाजनक है। पहले गोल ने हमें दबाव में ला दिया, जिसके चलते हमारे डिफेंस में कुछ गलतियां हुई और वो खिल गया। उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए दूसरा गोल किया। मैं थोड़ा गुस्से में भी हूँ क्योंकि हमने कई मौके गंवाए हैं। सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के बाद बार्सिलोना की नज़र अब खिताबी मुकाबले पर लगी हुई है। टीम की कोशिश खिताब जीतने के बाद बढ़े हुए मनोबल के साथ ला लीगा में अपनी स्थिति सुधारने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। लास वेगास में एक इलेक्ट्रॉनिक शो में पहली बार प्रदर्शित किए गए ड्रोन सॉकर ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ड्रोन सॉकर एक ऐसा खेल है जो ड्रोन की मदद से खेला जाता है। ड्रोन सॉकर को इनके पायलटों द्वारा संचालित किया जाता है। दुनिया भर में लोकप्रिय खेल फुटबॉल के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन ड्रोन सॉकर का नाम शायद हर किसी के लिए नया होगा। ड्रोन सॉकर एक ऐसा खेल है जो ड्रोन की मदद से खेला जाता है। इस खेल में ड्रोन को फुटबॉल जैसी आकृति वाले गोलाकार जाली नुमा कवर में फिट कर दिया जाता है। इसके बाद फुटबॉल मैदान के ऊपर हवा में उड़ाया जाता है। ड्रोन सॉकर को इनके पायलटों द्वारा संचालित किया जाता है, जो अपनी गेंद को 60 सेंटीमीटर व्यास वाले गोल पोस्ट में डालकर स्कोर करते हैं। इसकी शुरुआत ड्रोन के साथ फुटबॉल खेलने के विचार से हुई और तब से हमारे शोधकर्ता ड्रोन सॉकर नामक उत्पाद बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कई अन्य लोग इसे एक ख्याल बनाने के लिए एक साथ आए हैं। मैं फीडा के अध्यक्ष के रूप में बहुत खुश और बहुत उत्साहित हूं कि हम यहां तक आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक शो में प्रदर्शित ड्रोन सॉकर के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया देखकर FIDA के अध्यक्ष सांग हेबू बेहद उत्साहित दिखे। मैं वास्तव में यहां आकर बहुत चिंतित था, लेकिन जब मैंने इस ड्रोन सॉकर पर लोगों की प्रतिक्रिया देखी तो मैं बहुत बहुत खुश, बहुत उत्साहित हूं और इससे मुझे भरोसा है कि ड्रोन सॉकर की नई अवधारणा तेजी से जन जन तक फैल सकती है। मैं इससे बहुत खुश हूं। अपने आप में अनोखा होने की वजह से ड्रोन सॉकर के खेल को देखकर दर्शक भी रोमांचित नजर आए। वो ड्रोन सॉकर देखने का मेरा पहला अनुभव था। मुझे ये बहुत शानदार लगा। ये अद्भुत है और मुझे इसे हमारे स्थानीय लोगों के साथ देखने में और अच्छा लगेगा। मुझे लगा कि यह ड्रोन के साथ अब तक देखी गई सबसे बढ़िया चीज़ों में से एक है।
इसलिए मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इसमें रुचि लेंगे और मैं भविष्य में इसे कई स्थानीय जगहों पर देख सकूंगा। ड्रोन सॉकर को इस साल लास वेगास में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक शो में प्रदर्शित किया गया है। इसके संचालन के लिए एक आयोजन निकाय भी बनाई गई है। निर्माताओं को उम्मीद है कि ये गेम युवाओं को ड्रोन उड़ाना सीखने के लिए प्रेरित करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीटी न्यूज। तो वाकई तकनीक और खेल का अद्भुत मिश्रण है ड्रोन सॉकर। और खेल आजकल में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।